Hey, what's up you guys, this is your boy Shashank and welcome to my channel. If you are new to my channel, please consider subscribing as I post new videos every week. So today's topic is how to be the coolest guy in the room. So let's get started with the first, which is don't give a damn about what others are saying to you. तो इससे मेरा मतलब ये है कि आपको लाइफ में हमेशा बुली करने वाले लोग और जर्क्स हमेशा मिलेंगे, तो आपको उनके साथ टैकल कैसे करना है और उनको डील कैसे करना है वो आपको आना चाहिए ज़रूर, और उनके ऊपर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। और जब आप उनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आप इंस्टेंटली एक कूल गाय की तरह परसीव होंगे। यू जस्ट हैव टू ब्रश देम ऑफ, जिनसे कि उनको खुद पता लग जाए दैट दे डोंट स्टैंड अ चांस इन फ्रंट ऑफ यू। सो मूविंग ऑन टू अवर सेकेंड टिप, विच इज़ ड्रेस कूलर। अब मेरा पूरा चैनल इसी के ऊपर बेस्ड है, आप मेरी सारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हाउ टू ड्रेस बेटर के वीडियोस देख सकते हैं, जिनसे कि आपका स्टाइल गेम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा और आप काफ़ी कूल परसीव होंगे। विच टेक्स टू अवर थर्ड पॉइंट, विच इज़ हैव अ गुड बैकपैक। आजकल की डेट में हम लोग बैकपैक ज़रूर हर जगह कैरी करते हैं, तो आपको हमेशा एक अच्छे बैकपैक पे इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि ज़्यादा कूल दिखे, जो ज़्यादा बल्की ना हो, और एक छोटे बैकपैक पे इन्वेस्ट करिए क्योंकि एक छोटा बैग हमेशा ज़्यादा कूल दिखता है। तो आप मेरे इस बैकपैक को देख सकते हैं कि ये कितना कूल दिखता है। तो आपको भी इसी के जैसे एक अच्छे से बैकपैक पे इन्वेस्ट करना है जिससे कि आप ज़्यादा कूल दिखें। मूविंग ऑन टू अवर फोर्थ टिप, विच इज़ हैविंग अ ग्रेट बॉडी। अब अगर आपको कूल दिखना है तो आपको अपनी बॉडी के ऊपर तो ज़रूर मेहनत करना पड़ेगा, आपको थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और कार्डियो ज़रूर करना पड़ेगा ताकि आप अपने फैट को मेनटेन कर पाएँ और अपनी मसल की ग्रोथ कर पाएँ, क्योंकि ना ही एक बॉडी ओबीज अच्छी लगती है ना ही मेल न्यूट्रिशन। तो आपको अपनी बॉडी की तरफ ज़रूर ध्यान देना है और थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस ट्रेनिंग अपने डेली रूटीन में ज़रूर ऐड करिए। विच टेक्स टू अवर फिफ्थ पॉइंट, विच इज़ हैविंग मोर स्किल्स। अब ज़्यादा स्किल्स से मेरा ये मतलब है कि आपको ज़्यादा चीज़ें आनी चाहिए, जैसे कि एग्जाम्पल आपको अगर म्यूज़िक वगैरह पसंद है तो आप गिटार या पियानो सीख सकते हैं, अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है तो आप किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्ट ले सकते हैं, या फिर आप एक डांस क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कोई एक अच्छी सी हॉबी परसीव कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी चीज़ें करेंगे वो आपको खुद से पसंद होनी चाहिए, या आप दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर आपको वो चीज़ें खुद से पसंद है तब फिर उन चीज़ों को करने के बाद आप ज़्यादा कूल दिखेंगे। सो मूविंग ऑन टू अवर सिक्स्थ पॉइंट, विच इज़ नेवर बुली एनीवन। आपको दूसरों को गिरा के खुद को ऊपर नहीं उठाना है कभी भी, और अगर आपके साथ कोई एक शाय या इंट्रोवर्ट बंदा है तो आपको उसको कभी भी बुली नहीं करना है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप दूसरों को नीचे गिरा के खुद ऊपर नहीं उठ सकते हैं। थोड़ी बहुत मजाक मस्ती ठीक होती है, पर आपको कभी भी उनके ऊपर नेगेटिव कमेंट्स पास नहीं करना चाहिए जिससे कि उनका मोरल डाउन हो और वो लोग अपने बारे में ज़्यादा इनसिक्योर फील करें। आपको कभी भी लोगों की इनसिक्योरिटी बढ़ाना नहीं है बल्कि उनकी हेल्प करना है ताकि वो अपने आप को ग्रो कर पाएँ। सो मूविंग ऑन टू अवर सेवन टिप, विच इज़ वियरिंग सनग्लासेस। हमारे ब्रेन की कुछ इस तरीके की साइकोलॉजी होती है कि हम अगर किसी को भी सनग्लासेस पहने हुए देखते हैं तो हम उसको ऑटोमेटिकली कूल परसीव करते हैं। तो आपको जब भी मौका मिले आप सनग्लासेस ज़रूर पहनिए, बस ये चीज़ आपको पर्पसफुली करना है, मतलब आप जब बाहर हैं तभी आपको सनग्लासेस पहनना है, आपको इंडोर्स में कभी भी सनग्लासेस नहीं पहनना है क्योंकि वो आपका आई कॉन्टैक्ट जो लोगों के साथ रहेगा वो तोड़ देगा। इसीलिए आपको आउटडोर्स में हमेशा सनग्लासेस जब भी पॉसिबल हो जब पहनना है ताकि आप ज़्यादा कूलर दिखें। सो मूविंग ऑन टू अवर एट पॉइंट, विच इज़ लास्ट बट नॉट लीस्ट, विच इज़ हैविंग अ गुड पोस्चर। अब आपको कभी भी स्लाउच करके इस तरीके से नहीं चलना है अंडर कॉन्फिडेंट जैसे, आपको हमेशा अपनी चेस्ट आउट रखना है और शोल्डर्स बैक की तरफ रखना है और हमेशा कॉन्फिडेंटली चलना है, और आपको हमेशा चलते हुए ज़्यादा स्पेस लेनी है। बी एन अल्फा एंड डोंट बी अ बीटा, जो कि दिखाएगा कि आप अंदर से कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हैं एंड फिर आप एक कूल गाय की तरह परसीव किए जाएंगे। So that's it for today. I hope you guys like this video. If you find this video informative, please don't forget to drop us a like down below. Also share and subscribe. Thanks for making me a part of your day. And don't forget, you are awesome.